देखिए मुझे ध्यान से, पाइप्स एंड सिस्टम्स टॉपिक का नाम है नल तथा टंकी, है ना। पाइप्स आप जानते हैं, ठीक है, और सिस्टम्स वगैरह इन सब का यूज होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो टैप्स वगैरह होती हैं, है ना, जो टूटी वगैरह जिसको आप कहते हो या नल कहते हो, तो उनका यूज करा जाएगा, ठीक है। जैसे आपने टाइम एंड वेल्थ पढ़ा है, डिट्टो सेम टॉपिक सेम पाइप्स एंड सिस्टम्स है। बस वहां पर क्या था कि पर्सन्स की बात होती थी, यानी कि ए बी सी इस तरह से लोग हुआ करते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे टैप्स होंगे यानी कि नल होंगे, ठीक है। ए कोई टैप होगा या बी कोई टैप होगा। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो टैंक को भरने वाले होंगे, ना फिल करेंगे, फिल करने वाले टैंक होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उसको ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको करीब 15-16 क्वेश्चन जो है प्रोडक्शन सिस्टम्स के वो करा पाऊं, क्योंकि बेस आपका क्लियर है तो मैं मान के चलूंगा कि चीजें आप जल्दी सीख लेंगे। दूसरी बात, जब हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था तो वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन छोड़ के जाता था तो उसे हम लोग क्या करते थे, नंबर जो लाइन होती थी उसे डायग्राम बना के हम लोग करते थे उसका, ना। आपने करे भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी हैं और मैंने कराए भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई पर्सन छोड़ के नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर कोई ऐसा टैप होगा जो पानी को निकालने का काम कर रहा हो, है ना। यानी कि दो ऐसे पाइप होंगे या दो ऐसे टैप होंगे जो पानी को भरने का काम कर रहे होंगे, यानी कि टैंक को भर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक आध कोई पाइप ऐसा भी हो सकता है जो ड्रेन कर रहा होगा। अगर ड्रेन कर रहा है वो पाइप, तो उसके लिए हम उसकी एफिशिएंसी को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। अब वो माइनस में कैसे लिखेंगे, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी के सारी आप क्वेश्चंस की फॉर्म में समझेंगे। शुरू कर देखिए, मान के चलिए कि आपसे कहा जाए कि दो नल है ना, दो टैप्स है यहाँ पर। नल का मतलब आप समझ रहे हैं, टैप हो गया, ठीक है। तो दो नल है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। आपसे कहा जाता है कि ए और बी अगर किसी टैंक को फिल करें, ठीक है, तो कितने घंटों में, 48 और 36 मिनट्स में। यहाँ पर मिनट्स की बात होगी क्योंकि मिनट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट है यहाँ पर, ठीक है। टाइम एंड वर्क में आवर्स जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट यूनिट है टाइम की, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम्स में मिनट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट यूनिट होती है टाइम की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घंटों में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, सेकेंड्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन कि आपने देखा होगा कि टैंकी घंटों में नहीं भरती है, टैंकी कुछ मिनट्स में भर जाती है, आप जानते हो, तो इसलिए मिनट ज्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ पर होता है। ए 48 मिनट्स में इसी टैंक को फिल करता है और उसी टैंक को बी जो है वो 36 मिनट्स में फिल कर देता है। कहता है कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, यानी कि दोनों के दोनों जो टैप हैं वो एक साथ खोले जाए, जैसे टाइम एंड वर्क में दोनों पर्सन एक साथ काम को शुरू करते थे, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दोनों जो नल हैं वो एक दूसरे के साथ खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद, ठीक है, बाय व्हाट टाइम टैप ए, ठीक है, शुड बी क्लोज्ड, कितने टाइम के बाद जो नल ए है उसे बंद कर दिया जाए, शुड बी क्लोज्ड, सो दैट कंप्लीट टैंक विल बी फिल्ड इन 25 मिनट्स। हिंदी वाले जो बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नल ए है जो किसी टैंकी को 48 मिनट में भरता है, ऐसे ही कोई नल बी है जो किसी उसी टैंक को इनफैक्ट 36 मिनट में भरता है। कहते हैं कि दोनों नल साथ में शुरू किए जाते हैं, मतलब खोले जाते हैं, पर कितने टाइम के बाद, है ना। देखो बोला गया है कि बाय व्हाट टाइम टैप ए शुड बी क्लोज्ड, कितने टाइम के बाद आप नल ए को बंद कर दें, पूरी जो टैंकी है वो 25 मिनट में भर जाए, ठीक है। कितने टाइम के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, पूरी टैंकी 25 मिनट में भर जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आया, बोलिए करेंगे यस सर। या कराऊं। चलिए देखिए, पहले
किसी काम को 48 मिनट में करता है और बी किसी काम को 36 मिनट में करता है। दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो जो वर्क आएगा वो आएगा 144 वर्क, है ना। यहाँ पर आपको उसी सेम पैटर्न पे ही काम करना है, ध्यान रखिएगा। 144 वर्क है यानी कि 144 लेट से लीटर कोई टैंकी है जिसको भरना है, 144 लीटर की टैंकी को भरना है ना, आप कुछ ऐसा मानो। अब ए से अगर आप देखोगे तो ए की एफिशिएंसी कितने निकलेगी, 48 थीजा होती है ना, और 36 फोरजा होता है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब से हम क्या करने लगेंगे, अब से हम यहाँ पे जो वर्क लिखते थे उसको लीटर करने लगेंगे। लीटर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टैंकी की जो यूनिट होगी वो लीटर्स में होगी, ठीक है। तो 144 लीटर की टैंकी थी जो कि हमारा वर्क है। तो टैप ए को भरने की जो क्षमता है उसकी, जो उसकी कैपेसिटी है, वो है 3 लीटर, वो भी कितने मिनट में, 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मिनट चल रही है ना। ऐसे ही 1 मिनट में जो बी है वो कितना भर देता है, वो भर देता है 4 लीटर। यहां तक सारी चीजें ठीक है ना। अब देखिए, मान के चलिए कि वही नंबर लाइन बना रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट पे ए और बी दोनों टैप एक दूसरे के साथ खोले गए, ठीक है। और कहता है कि कितने, और ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कहता है कितने टाइम के बाद टैप ए को बंद कर दिया जाए, है ना। मुझे नहीं पता कि भाई कितने टाइम के बाद, वही आपको निकालना है। मतलब यहाँ पर जो टी टाइम है वो आपको निकालना है कि कितने मिनट्स में बंद करा जाए टैप ए को। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इस पॉइंट पर आते आते टैप ए को बंद कर दिया गया है। अगर टैप ए बंद हो गया है तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो किसने फिल करा होगा, ने फिल करा होगा। और इस पॉइंट पर आकर टैंकी जो है वो कंप्लीट फिल हो जाती है। और बोला गया कि टोटल जो टाइम लगता है टैंकी को फिल होने में वो कितने मिनट लगते हैं, वो लगते हैं 25 मिनट। बताइए अगर आप लोगों को यहां तक कोई भी डाउट है तो। कोई डाउट? नो सर। नहीं है। अब आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, सोचिए। पूरी की पूरी जो टैंकी है वो 25 मिनट तक चल रही है। अगर 25 मिनट तक पूरी टैंकी भर रही है तो उसमें पूरे ड्यूरेशन में कौन ऐसा नल है जो कंटिन्यू ओपन रहा, उसे देखिए आप। वो टैप ए है कि वो टैप बी है? बी है। मैंने बोला कि भाई आपसे कह रहा है पूरी जो टैंकी है वो कितनी देर में भर जाए, पूरी टैंकी 25 मिनट में भर जाए। कंफर्म है ना कि पूरी अगर 25 मिनट में आपको भरनी है तो कौन सा नल है जो पूरे 25 मिनट तक खुला रहा? आप बोलोगे सर बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी ही तो नल है जो पूरे 25 मिनट तक खुला रहा। यानी कि अगर बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, मुझे प्लीज बताइए 25 मिनट में कितने लीटर भरेगा? 100 सर। 100 लीटर। यानी कि ये 100 लीटर किसने भरा? 100 लीटर भरा बी ने। आप देखिए टोटल जो वर्क था वो था 144 लीटर, जिसमें से 100 लीटर आपने अकेले बी से भरवा लिया, बचा कितना? 44 लीटर। ये 44 लीटर किसने भरा होगा बताइए मुझे? नहीं भरा होगा, क्योंकि बी से तो आपने पूरा भरवा लिया, बी आप यहां भी इंक्लूड कर चुके हो और बी आप यहां पर भी इंक्लूड चुके हो, मतलब इंक्लूड कर चुके हो। अब जब आपने पूरा देखा तो 44 लीटर बचा पानी, और इस 44 लीटर को भरने के लिए कौन बचा हुआ है? ए बचा हुआ है। तो ए अपनी जो उसकी एफिशिएंसी है उससे भरेगा, यानी कि 44 लीटर भरेगा ए इनके हिसाब से, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 44/3 क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। तो उसने आपसे पूछा है कि कितने मिनट के बाद ए को बंद करा जाए, तो मुझे प्लीज बताइए ए ने यहां से लेकर यहां तक कितना काम किया है? 44/3 मिनट ही तो काम किया है, यही तो आपका आंसर हुआ। 44/3 मिनट के बाद अगर आप ए को बंद कर दें तो पूरी की पूरी जो टैंकी है वो 25 मिनट में भर जाएगी। आपसे ए का टाइम पूछा गया था, तो ए का टाइम का मतलब क्या हुआ, जब तक ए शुरू हुआ है भरना और जब तक ए बंद नहीं कर दिया गया तो बीच के ए के टाइम को बता दीजिए, तो ये वही तो निकल कर आया है ना। ए का टाइम निकल गया। अगर आपको ये चीज तो मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे करा, वही फॉर्मूला लग रहा है W equals to EP, ये था आंसर। वर्क कितना था? 44 लीटर। 44 लीटर को किससे कराना चाहते हैं? किससे कराना चाहते हैं? और एक ही एफिशिएंसी है 3, तो वहां पे 3 रखोगे इनटू टाइम, तो
टाइम क्या आएगा, ए का 44 अपॉन 3 मिनट्स, यही आपका आंसर है। ठीक है, कर लेंगे। सर एक बार यहाँ से समझा दीजिए, ये 25 लीटर 25 मिनट में 100 लीटर भरता है, उसके बाद से समझा दीजिए सर। मैम बचा कितना? 144 है, 44 बचा। 44 बचा, अब ये 44 कौन कर रहा था? सर ए प्लस बी और बी ए कर रहा था, नहीं बी क्यों कर रहा था? ये जो 44 भाई, बी तो आपने यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया पूरा, बी का आपने यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया, बी तो पूरा कैलकुलेट हो चुका है ना, 100 लीटर ये पूरा बी ने भरा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक 25 मिनट तक। अब जो 44 लीटर भरा है वो कंट्रीब्यूशन ए की वजह से आया था, आपसे ए का टाइम पूछ रहा है कितने मिनट के बाद ए को बंद करा जाए। 44 लीटर अगर ए ने भरा है, अब देखिए 44 लीटर ए ने कितने टाइम में भरा है, उसके लिए आपको 44 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 थी, है ना। हमें पता लगा कि 44 लीटर ए भरता है 44 अपॉन 3 मिनट्स में, वही हमारा आंसर है क्योंकि क्वेश्चन यही था कि कितने टाइम के बाद बंद हुआ ए, हो जाएगा। हाँ जी पूजा जी क्लियर? यस सर। मंजू जी आपको? यस सर। चलिए अगला करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हो गया सर। एक और कराता हूँ आपको तो शायद बेहतर और समझेंगे। मान के चलिए कि ए टैप है, वो क्या करता है किसी टैंकी को लेट से 18 मिनट में भरता है, ठीक है, भरता है याद रखिएगा, और बी जो है वो 24 मिनट में भरता है। मान के चलिए दोनों नल एक दूसरे के साथ खोल दिए जाए, ठीक है, लेकिन कहा गया कि टैंक भरने के 6 मिनट पहले, टैंक भरने के 6 मिनट पहले, ठीक है, ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, टैंक भरने के 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है बताइए टैंकी को भरने में टोटल कितना टाइम लगा, समय कितना लगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए जो है वो 18 मिनट में भरता है, बी 24 मिनट में भरता है ना, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है ना। कहता है कि टैप ए विल बी क्लोज्ड जस्ट आफ्टर 6 मिनट्स, है ना, बिफोर द फिलिंग, बिफोर द फिलिंग ऑफ द टैंक, बिफोर द फिलिंग ऑफ द टैंक 6 मिनट पहले जो है वो ए को बंद कर दिया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द कंप्लीट टैंक, ठीक है, करो एक बार इसे। अगर आप ये चीज दिमाग लगा पा रहे हैं कि अगर 6 मिनट पहले ए को बंद किया गया है तो ऑब्वियस बात है वो 6 मिनट किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। तो आप इस तरह से अगर सॉल्व कर पाए तो देखिए, वही है कि मान के चलिए 6 दिन पहले इन्हें काम करना बंद कर दिया, ऐसे क्वेश्चन करे हैं ना आपने टाइम एंड वर्क में। तो 13 से 5/7 मिनट, 13 से 5/7 आंसर वही आ गया। हेलो करिए, सर
बाकी ने किया? देखिए दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 18 और 24 का कितना होता है? 72 लीटर हो गया, ये वर्ग है आपका, है ना। अब देखिए 18 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 लीटर और 24 से कैंसिल करेंगे तो 3 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 72 लीटर टोटल वर्ग है, यानी कि 72 लीटर की टोटल टैंकी है जिसको भरना है। और ए जो है वो एक मिनट में 4 लीटर भरता है और बी एक मिनट में आके सिर्फ 3 लीटर भर सकता है। ये बातें बताई गई है। अब देखो नंबर लाइन बना लो जल्दी से। दोनों ने मिलकर शुरू करा है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों मिलकर शुरू करेंगे तो ए और बी दोनों आएंगे, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो आप देख रहे हो इसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं, बात बोली गई है, ठीक है। कितने मिनट तक करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि यहां पर अगर काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब टैंक अगर यहाँ पे फिल हो रहा है, तो इसके कंप्लीट फिल होने के जस्ट 6 मिनट पहले, यानी कि ये जो 6 मिनट की विंडो है ना, 6 मिनट पहले टायर यहां पर क्या हुआ, अब ए को बंद कर दिया गया। तो अगर ए को बंद कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा जो 6 मिनट है वो किसने काम किया होगा, वो बी ने काम किया होगा, ये बात तो कन्फर्म है। तक आपको बात समझ में आती सभी को, कोई डाउट है? यस सर। ये एफिशिएंसी है 1 मिनट में 3 लीटर भरने की, और बी को आपने 6 मिनट तक तो चलाया ही चलाया है, कन्फर्म है। 6 3 18, मतलब यहां से लेकर यहां तक बी ने कितना काम कर दिया, आप कहोगे सर 6 3 18, 18 लीटर टैंकी भर दी यहां से लेकर यहां तक। क्लियर हो गया यहां तक भी आपको, ठीक है। अब आप जानते हो कि टोटल जो टैंकी है वो पूरी यहां से लेकर यहां तक वो है 72 लीटर की, जिसमें से 18 लीटर यहां पर भरा जा चुका है बी की हेल्प से। बचा कितना, 72 में से 18 को माइनस करेंगे, आंसर होगा 54 लीटर, यानी कि ये जो 54 लीटर है वो यहां से लेकर यहां तक बचा हुआ है, ठीक है। और इस 54 लीटर को भरा किसने है, ए और बी दोनों ने मिलकर भरा है। तो अगर दोनों ने मिलकर भरा है तो बताइए टाइम कितना लगेगा। तो आप क्या करोगे, इस 54 को डिवाइड करोगे ए और बी दोनों की एफिशिएंसी से, क्यों, क्योंकि ये 54 लीटर दोनों ने मिलकर भरा है, तो इसलिए दोनों की एफिशिएंसी 7 है, 7 से इसे करा जाएगा डिवाइड। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आपकी आ रही होगी 7 7 49, 7 सही 5/7 कितने मिनट आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पूरी टैंकी कितने टाइम में भरती है, कुल समय पूछा गया, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम चाहिए, ठीक है, बस यहां से लेकर यहां तक का भी चाहिए, मतलब ओवरऑल पूरा टाइम चाहिए उसको। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है, ये है पूरा, और यहां से लेकर यहां तक का आपको 6 मिनट क्वेश्चन में दिए गए थे, तो यानी कि 7 सही 5/7 को अगर आप 6 मिनट से जोड़ देंगे तो याद रखिएगा बस ये और ये जुड़ते हैं आपस में, ठीक है ना। तो 7 और 6 13, तो आंसर क्या हो गया, 13 whole 5/7 minutes, ये आपका आंसर है। बोलिए कर लेंगे, कोई डाउट है तो पूछे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा। सर ये 7 क्यों लिया, कहाँ पे 1/7 मतलब 54, हाँ सर। अरे 54 लीटर था, हाँ सर, ये 54 लीटर को कौन भर रहा है, A+B करिए, 4+3 Okay. भाई दोनों की एफिशिएंसी 7 है ना, 7 लीटर भरने की, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, उसे आप लोग करिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया था ना, यस सर। मान के चलिए ए 12 मिनट में भरता है, बी जो है वो 16 मिनट में भरता है, दोनों नल एक दूसरे के साथ काम शुरू कर देते हैं, हाँ। और कहा जाता है भाई टैंकी भरने के 4 मिनट पहले, है ना, 4 मिनट पहले टैंक ए को बंद कर दिया जाता है, चलो ए को नहीं टैंक बी को बंद कर देते हैं इस बार,
ठीक है, टैंक बी को बंद कर दिया जाता है, तो आपसे पूछ रहा है पूरी टैंकी कितने टाइम में भरी, सेम क्वेश्चन, टैंक बी को बंद करा, टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है, करिए। आठ से चार बटे सात बाकी का आंसर बताइए। श्वेता आंसर तो बस लास्ट कर रही हूँ सर, लास्ट पार्ट को। रजी सर नाइन होल वन सेवन, नाइन होल वन बाई सेवन, पूजा यादव जी सर कर रही हूँ अभी, थोड़ा हाथ बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, पेपर छूट जाएगा नहीं तो। सर एट होल फोर बाय सेवन, मंजू जी वाला आंसर। देखिए 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है 48, ये 48 लीटर क्या है आपका वर्क है, 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 लीटर आएगा, 16 से करेंगे तो 3 लीटर आएगा। फिर से नंबर लाइन बनाइए, आपसे कहता है कि यहाँ पर दोनों टैंक्स भरना शुरू होते हैं, मतलब दोनों जो टैंक है वो खुलना शुरू होते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर काम करते हैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और कहा गया कि यहां पर टैंक फिल हो जाता है, और लेकिन इस पॉइंट पर आकर बोला गया कि टैंक बी को बंद कर दिया जाता है, तो ये जो टैप बी है वो बंद हो गया, तो अब जो बचा हुआ काम है वो टैप ए कर रहा होगा, ठीक है, और वो भी कितने मिनट, 4 मिनट में बोला गया ना कि 4 मिनट पहले बी को बंद किया गया, 4 मिनट पहले बी को बंद किया गया तो मतलब ये 4 मिनट इन्हें काम किया होगा, बस खत्म। अब नॉर्मल कैलकुलेशन ही तो रह जाती है, अगर ए ने काम करा है तो देखिए ए की एफिशिएंसी है 4 लीटर एक मिनट में, 4 मिनट में कितने 16 लीटर भरेगा, ठीक है। अब आप देखिए टोटल टैंकी जो है वो है आपकी 48 लीटर की, 48 लीटर की टैंकी है, इसमें से 16 लीटर यहां से लेकर यहां तक ए भर चुका है, तो 48 में 16 को माइनस करेंगे 32 लीटर बचेगा, और ये 32 लीटर कौन भर रहा है, इस 32 लीटर को ए और बी मिलकर भर रहे हैं, तो अगर मिलकर भर रहे हैं तो टाइम कितना लेंगे, 32 को डिवाइड कर दीजिए दोनों की एफिशिएंसी से, यानी कि 7 से, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 7 से जब कैंसिल करेंगे 4 होल 4 बाई 7 मिनट, ठीक है, तो 4 सही 4 बटे 7 मिनट यहाँ का टाइम है और 4 मिनट यहाँ का टाइम है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया आपका 8 सही 4 बटे 7 मिनट, ठीक है। जल्दी करिए मैडम जी, बी वाले से वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं करो प्लीज, अच्छे क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है ना, वही कंसेप्ट चला रहा है, घिसा पिटा टाइम एंड वर्क, और वही आपको लगाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, तो ऑफकोर्स आपको सुनना है, सुनने में ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे नहीं जा सकते, मान
के चलो कि ए टैप है जो किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, ठीक है। बी है जो 16 मिनट में भरता है, ठीक है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, ठीक है ना। ए 12 मिनट में भर सकता है, बी 16 मिनट में भर सकता है, दोनों नल एक दूसरे के साथ खोल दिए जाते हैं। लेकिन ये देखा गया कि थोड़े टाइम जब ये नल चले, मतलब थोड़े टाइम तक इन्होंने टैंक को फिल किया होगा, कितना फिल किया हमें नहीं पता, और कितने देर तक ये चले हमें नहीं पता, लेकिन कहा गया कि थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ दोनों नल जो है ना वो खराब हो गए, ठीक है, दोनों नल खराब हो गए। और खराब होने की वजह से जो नल ए है, जो टैप ए है, वो सिर्फ अपनी कैपेसिटी का 7/8 रह जाता है, ठीक है। और बी जो है वो अपनी कैपेसिटी का 5/6 रह जाता है, ठीक है। सुनो, ए 12 मिनट में भरता है, बी 16 मिनट में भरता है, दोनों टैप्स अभी सही हैं, खोले जाते हैं एक दूसरे के साथ और थोड़े टाइम के लिए टैंकी को भरते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही दोनों नल खराब हो जाते हैं। खराब इन द सेंस कि जितनी उनकी एफिशिएंसी है टैंक को भरने की उतनी नहीं भर पा रहे। मान के चलिए ए 4 लीटर भरता है, 4 लीटर ना भर के अब सिर्फ 3 लीटर ही भर रहा है, तो वो चीज आपको बताई जा रही है कि अगर ए पहले भर सकता था 8 लीटर अब भरता है सिर्फ 7 लीटर, बी अगर पहले भर सकता था 6 लीटर अब भरता है 5 लीटर, बात बोली जा रही है। यानी कि ए अपनी क्षमता का 7/8 हो जाता है, बी अपनी क्षमता का 5/6 हो जाता है, ठीक है। बोला गया कि थोड़े टाइम के बाद दोनों नल फिर से ठीक कर दिए जाते हैं, और भी दोनों ठीक कर दिए गए, ठीक है। अब जो टैंक है ना वो 3 मिनट में भरता है, 3 मिनट में भरा जाता है, यानी कि ठीक करने के बाद जो दोनों टैप हैं वो 3 मिनट में टैंक को भर देते हैं। आपसे कहा जा रहा है वो टाइम बताइए, उस टाइम को बताइए जितने टाइम के लिए नल खराब हुए थे, मुझे बताइए। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया या एक बार फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन को? सर लास्ट लाइन कर दीजिए। लास्ट लाइन में ये बोला गया कि दोनों नल ठीक कर दिए गए, है ना, और ठीक करने के बाद 3 मिनट में पूरे टैंक को भर देते हैं, ठीक करने के बाद 3 मिनट में भरते हैं, टोटल टाइम नहीं है 3 मिनट, है ना। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने टाइम के लिए दोनों नल खराब हुए थे, आपसे पूछ रहा है। या कह लीजिए थोड़ा सा शायद यहां पर एक मिनट मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज सही कर दूं वरना कंफ्यूज होंगे आप, खराब हुए थे नहीं, आप इसे कर लो कितने टाइम के बाद खराबी को ठीक किया गया, है ना, आफ्टर व्हाट टाइम बोथ द टैप्स विल बी रेक्टिफाइड, है ना, खराबी को ठीक किया गया, ये निकालिए, ये ज्यादा अच्छा क्योंकि यही पूछेगा आपसे खराबी को कितने टाइम के बाद ठीक किया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है, एक बार समझाता हूं आपको और ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा करने के लिए, तो उसको ध्यान से करिएगा। 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ऑफकोर्स 48 लीटर आएगा, 12 से सॉल्व करेंगे 4 लीटर, 16 से सॉल्व करेंगे तो 3 लीटर। अब आपको पता है यार नल ए खुला, अगर ए खुला है ऑब्वियस बात है वो 4 लीटर हर मिनट भरता होगा, और बी अगर खुला है तो वो हर मिनट में 3 लीटर भरता होगा। लेकिन कहा यह गया कि थोड़े टाइम के बाद दोनों नल जो है वो खराब हो गए, और खराब हो गए जो ए है ना, जो ए है वो अपनी जो क्षमता है, मतलब उसकी क्षमता थी 4 लीटर, उसकी कैपेसिटी है 4 लीटर फिलिंग की, लेकिन अब वो 4 का पता कितना बचा, सिर्फ 7/8 बचा, यानी कि 4 का 7/8 निकालेंगे तो अब ए की कैपेसिटी कितनी हो गई पता है, इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 7/2 हो गई, इतना लीटर, या आप कह लीजिए और
3.5 लीटर। देखिए जो पहले 4 लीटर भरता था ए, अब वो क्योंकि खराब हो गया है तो सिर्फ 1 मिनट में 3.5 लीटर भर पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बी आया, बी भरता था अपनी कैपेसिटी 3 लीटर से, ठीक है। तो ये रिवर्स क्यों हुआ एफिशिएंसी, ये मुझे ना थोड़ा डाउट था। रिवर्स क्यों आई? मतलब टाइम एंड वर्क में भी यही कंफ्यूजन था मेरा। मैं समझा नहीं कहाँ रिवर्स कहाँ आ रही है। मतलब सर मतलब 4 × 7/2 था ना, तो वो 7/8। अच्छा 7/2 ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। 4 का 7/8 हो गया ना, तो सॉल्व करेंगे तो 7/2। और बी जो है वो 3 भर रहा था, 3 का 5/6 कर दीजिए, यानी कि अब क्या हो गया, अब हो गया 5/2 लीटर भरता है वो 1 मिनट में, या कह लीजिए 2.5 लीटर भरता है। पहले 3 भरता था तो 2.5 लीटर भरता है, खराबी हुई है। अब आप ध्यान से देखिए क्या चीजें हो रही है। नंबर लाइन है, दोनों नल जो है वो शुरू हुए थे भरना, ठीक है, और भी चले साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन इस टाइम पर आकर, मान के चलिए इस पॉइंट पर आकर, अभी भी दोनों नल खुले हुए हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इतने टाइम के लिए दोनों नल खराब हो गए, लेकिन चल अभी भी ए और बी दोनों ही रहे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ध्यान समझिए, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर इनकी जो एफिशिएंसी है वो 4 और 3 ही रहेगी, लेकिन यहां पर आके इस पीरियड में इनकी एफिशिएंसी 3.5 और 2.5 हो जाती है, क्योंकि वो खराब हो गए थे, ठीक है। और फिर क्या बोला गया, भैया थोड़े टाइम के बाद फिर से क्या कर दिया जाता है, उनको ठीक कर दिया जाता है, और फिर से ए और बी नॉर्मल भरते हैं टैंक को, और यहां पर आके फाइनली टैंक क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया, ये देखो ठीक करने के 3 मिनट के बाद टैंकी भर जाती है, ठीक करने के 3 मिनट बाद, यानी कि अगर यहां पर ठीक करा गया तो यहां से लेकर यहां तक की विंडो 3 मिनट की है, और उसमें ए और बी अपनी एफिशिएंसी से ही काम कर रहे थे, यानी कि 4 और 3 से ही काम कर रहे थे। क्या आपको ये चीज समझ में आई? किसी को डाउट है प्लीज रोक के पूछिए मुझे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी किताब में, आगे आएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस में एक बात और ध्यान रखना, भले आपको दिख रहा होगा कि सर यहां से लेकर यहां तक की विंडो तो बहुत बड़ी है ना, यहां पर भी कुछ मिनट आए होंगे, पता लगा 10-15 मिनट आए होंगे शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहां मान के चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जैसे ही नल शुरू हुए चलना ठीक थे, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद नल खराब हो गए, और ये कुछ सेकंड इतने कम होते हैं जिसको हम एक तरह से नेगलेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो पीरियड है ना, अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए कि भैया जब वो शुरू हुए चलना वो खोले गए तो खोलने के 10 मिनट के बाद वो खराब होते हैं, जब तक इस तरह की बात क्वेश्चन में नहीं कही जाती तब तक हम इसे इग्नोर करते हैं, यानी कि हम ध्यान रखेंगे जो पहले वाला टाइम पीरियड है वो हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि नल शुरू हुए चलना और बहुत बहुत ज्यादा 10-12 सेकंड चले होंगे और उसके बाद वो फिर से खराब हो गए, ठीक है, इसलिए उस टाइम पीरियड को काउंट नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास कि वो कितने मिनट सही चले थे। बहरहाल आगे चलते हैं, अब आप देखिए आपको क्या चीजें एकदम कंफर्म बताएं कि ये 3 मिनट ए और बी जरूर चले हैं, वो भी ठीक होकर चले हैं, यानी कि अपनी अपनी एफिशिएंसी से ही चले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर 1 मिनट में 7 लीटर चलते हैं तो इन 3 मिनटों में 21 लीटर जरूर चले होंगे, यानी कि 21 लीटर तो आपका आंसर यहीं से बन गया, ठीक है ना, क्लियर, 21 लीटर पानी भर गया। तो आप जानते हो कि 48 लीटर था हमारे पास, उसमें से 21 लीटर भरा जा चुका है, बचा कितना बताइए, 48 में से आप 21 को माइनस कर देंगे तो आपको अगर सर 27 लीटर बचा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की पूरी विंडो ये 27 लीटर की है, और इस 27 लीटर को हम पता क्या मानेंगे, मान के चलेंगे कि यार ये तो इग्नोर है, ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या इसमें मैटर कर रहा है, ये मैटर कर रहा है,
ठीक है, तो इस 27 लीटर को हम एफिशिएंसी से ही देखेंगे, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि नल जैसे ही शुरू हुए बंद खराब हो गए, है ना, और अगर खराब हो गए होंगे तो इसी एफिशिएंसी के साथ ही तो चल रहे होंगे। ये 27 लीटर भरा गया होगा 3.5 + 2.5 यानी कि 6 लीटर से। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आई गेस ये वैल्यू आनी चाहिए 4 whole 1/2, है ना, इतने मिनट, यानी कि 4 सही 1/2 मिनट। ये पूरी क्या है, 4 whole 1/2 मिनट है, इतना टाइम। आप देखिए इतने टाइम के बाद ही तो यहाँ पर नल को ठीक किया गया है, यहाँ पर, है ना। यही तो पूछा गया था, खराबी को ठीक किया गया, तो खराबी को ठीक करा गया 4.5 मिनट। सर एक बार ये 27 वाला दोबारा बता दो एक बार। मैम 48 लीटर था, यस सर, जब आपने 21 लीटर भरवा लिया तो कितना बचा, माइनस करिए 27 लीटर, और इस 27 लीटर को भरने कौन आया, ए और बी आए, लेकिन अपनी कौन सी कैपेसिटी से, जो रिड्यूस हो चुकी थी उस कैपेसिटी से, तो बस 4.5 मिनट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, जो ए और प्लस बी का जो खराब हो गया था इसका वो लिया हमने। हाँ और क्या, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी ना क्वेश्चन में, कितने टाइम के बाद वो शुरू होने के बाद खराब हुए थे, हम बता ही नहीं गया क्वेश्चन में, अगर कह देता मान लेते। इसी क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपसे कहा गया कि ए जो है वो लेट से 12 मिनट में भर रहा है, फिर समझिएगा ध्यान से, और बी जो है वो कितने में, 16 मिनट में भरता है। क्वेश्चन ये था, दोनों शुरू होते हैं क्या एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में खराब हो गए, और तो उनकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होके हो जाती है 7/8 / 5/6, ऐसा कहा गया है। अगर ऐसे ऐसी बात बोली गई है तो फिर आपसे कहता है भाई खराबी हुई, खराबी को ठीक भी कर लिया गया, और जहां पर खराबी को ठीक करा गया उसके बाद टंकी 3 मिनट में भरती है, खराबी ठीक करने के बाद 3 मिनट और लगते हैं कंप्लीट भरने में टंकी को। आपसे कहता है ये बताइए कितने टाइम के बाद खराबी ठीक कर ली गई थी, कितने टाइम के बाद रेक्टिफाई किया गया, ये आपका क्वेश्चन था। आई गेस अब तो मैंने कम से कम 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, अब शायद दिमाग में घुस गया होगा क्वेश्चन कह गया। जैसे क्या आएगा बताइए, 16 और 12 का 48 आएगा। आप एक काम करो, 48 ना लेके 96 लो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा एलसीएम जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो मल्टीपल ही तो होता है उनका, है ना। आप एक काम करो 96 एलसीएम लो, उसका रीजन आपको बताता हूँ कि क्यों। 12 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 8 लीटर आएगा, और 16 से करेंगे तो यहाँ पर 6 लीटर आएगा। ये इनकी कैपेसिटी है जो इनकी ओरिजिनल कैपेसिटी है, हालांकि अगर आप 48 से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई गलत नहीं है, पिछला वाला आप कर सकते हो, पिछला मैंने आपको 96 लेके दे दिया। ऐसा क्यों करा वो भी आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो क्या हुआ, ए ने अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस किया, पहले उसकी कैपेसिटी थी 8 लीटर लेकिन अब है 7/8 लीटर, मतलब कितने लीटर, 7 लीटर। देखो जो पहले वाले केस में डेसिमल में बन रहा था ना 7.5 लीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम 2 गुना कर दिया है, इसलिए हमारी कैपेसिटी भी 2 गुना होके 3.5 से 7 हो गई है, ताकि डेसिमल इग्नोर हो जाए, ठीक है, इसलिए हमने ये काम किया। बी की कैपेसिटी 6 थी, अब उसका 5/6 कर लीजिए, यानी कि 5 लीटर अब उसकी खराब होने के बाद कैपेसिटी है, यानी कि ये वो कैपेसिटीज हैं जब वो खराब हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए, फिर से बना रहा हूं डायग्राम, यहां पर दोनों नल शुरू होते हैं और शुरू होते ही खराब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि शुरू होने के कितने टाइम के बाद खराब हुए, नहीं नॉलेज हमें, तो हम मान के चलेंगे कि वो डाटा हमें इग्नोर करना है, हमने इग्नोर कर दिया, शुरू हुए और खराब हो गए, मान के चलिए यहां तक खराब ही रहे, तो ए और बी यहां तक खुले तो रहे हैं, लेकिन खुलने के बावजूद पूरी की पूरी जो आप पीरियड देख रहे हो ये डिस्टर्ब रहे हैं, यानी कि इन्होंने अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी है उसे रिड्यूस होकर काम किया है। आप जानते हैं कि किस तरह से करा है,
ने करा है देखिए 7 लीटर से और बी ने करा है देखिए 5 लीटर से, ये इनकी रिड्यूस्ड कैपेसिटीज है। ठीक है, कितने टाइम के लिए काम किया हमें नहीं पता। यहां पर कहा गया आगे इस पॉइंट पे खराबी ठीक कर ली गई, ठीक है ना, खराबी को ठीक कर लिया गया और अभी भी ए और बी ही काम कर रहे हैं। और ये कहा गया कि खराबी ठीक करने के 3 मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाती है, ठीक करने के 3 मिनट के बाद। तो हमें सी बात है जब ठीक हो गए हैं तो इनकी कैपेसिटी भी ठीक हो गई होगी, यानी कि ए अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी 8 से काम कर रहा होगा और बी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी 6 से काम कर रहा होगा। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, बस आपसे पूछ रहा है कि ये टाइम बता दीजिए ये टाइम क्या है, क्योंकि ये वही टाइम है जो अगर आप निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने टाइम के बाद इसको ठीक किया गया। ओके, तो आप देखिए क्योंकि यहां पर वो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से काम कर रहे हैं तो 8 और 6 होता है 14 लीटर, यानी कि 1 मिनट में 14 लीटर भरते हैं। बताइए 3 मिनट में कितना भरेंगे, बताएंगे सर 14 × 3 कर दीजिए यानी कि 42 लीटर भरेंगे। इतनी जो वैल्यू आप देख रहे हो ये 42 लीटर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की। अब आपको ये पता करनी है कि ये कितनी कैपेसिटी यहां पर है, मतलब कितनी कितने लीटर यहां पर है। आप क्या करोगे 96 लीटर में से इस 42 लीटर को माइनस करेंगे, तो 96 में 42 माइनस हुआ तो वैल्यू आपकी बनी अभी भी 54 लीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये 54 लीटर है। और इस 54 लीटर को जो रिड्यूस्ड कैपेसिटी है उससे भरा गया है, यानी कि 7 और 5 12 से भरा गया है। तो इस 54 को 12 से भरा गया है, तो आप इसे सॉल्व कर लें। कितनी बार जाएगा ये 4 होल आई गेस 1/2 है ना, क्योंकि वो आएगा 6/12 आएगा, तो 6 और 12 ये आएगा देखो 4 होल 6/12 कैंसिल हो गया 1/12 इतने मिनट। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद खराबी को ठीक किया गया, क्योंकि खराबी यहाँ पर ठीक करी गई इस पॉइंट पर आकर, है ना। तो देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ पर 4.5 मिनट के बाद खराबी ठीक कर ली गई, ये आपका आंसर है। अब आया समझ में? Yes, sir. अच्छे से? कोई डाउट है किसी का प्लीज पूछिए। ये तो आपने इसके 2 तरीके देख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, सेम चीजें हैं, ठीक है, बट डाटा है वो बस ऐसे ही रफ लिखूंगा। मान के चलिए ए 15 मिनट में भरता है और जो बी है ना वो 25 मिनट में भरता है, ऐसा कहा गया। फिर वही चीज नल एक दूसरे के साथ खोले गए, टाइम के बाद उन्हें खराबी आ गई और ये वो थोड़ा टाइम है जो आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन कहा गया कि अब खराब होने के बाद इनकी जो कैपेसिटी है ना रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होने के बाद ए जो है वो 5/6 हो गया और बी जो है ना वो 5/8 हो गया, ऐसा कहा गया। और फिर आ गया कि थोड़े टाइम के बाद खराबी को ठीक कर लिया जाता है इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, और खराबी ठीक करने के 5 मिनट के बाद टंकी पूरी भर जाती है, यहाँ पर पूरी टंकी भर जाती है। आपसे कह रहा है बताइए खराबी कितने टाइम के बाद ठीक करी गई। करूंगा सभी के आंसर आएंगे।
किसी का आंसर सर? 5 मिनट कुछ सेकंड्स आ रहे हैं, मतलब 80 सेकंड्स। 5 मिनट 80 सेकंड्स। पहले कुछ क्यों बोला आपने सर? फ्रैक्शन में बहुत अजीब सा आ रहा है मैम। अगर 80 सेकंड्स हैं तो 80 सेकंड्स को भी आप शायद 60 सेकंड का आजकल 1 मिनट होता है। हाँ तो वो 6 मिनट और तो फिर कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत हुआ है। इसका रीजन ये है क्योंकि 80 सेकंड्स कभी बन ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि या तो फिर आपने डिवाइड गलत किया, कि जब भी बनेंगे तो 60 सेकंड से कम ही बनेंगे। पॉसिबल ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कभी वैल्यू बड़ी नहीं बन सकती 60 से। जी और बाकी बताएं आंसर। सर अभी आधा निकला है, आधा रह गया। रवलीन जी और 25 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 75 आता है। 75 लीटर कैपेसिटी है टैंक की। 15 से सॉल्व करेंगे 5 लीटर और 25 से सॉल्व करेंगे तो 3 लीटर। जो कैपेसिटीज आप देख रहे हैं ये और कुछ नहीं बल्कि इनके फिलिंग करने की ओरिजिनल कैपेसिटीज हैं, यानी कि इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसीज हैं ये, ठीक है? बढ़िया। लेकिन बात बोली गई कि जब ये खराब हो जाते हैं ना तो ये किस हिसाब से काम करने लगते हैं। तो अगर ए खराब हो जाए तो ए की ओरिजिनल एफिशिएंसी 5 लीटर थी, लेकिन क्योंकि खराब होने के बाद वो 5/6 से काम करता है तो 5/6 कर दीजिए, यानी कि अब वो काम करेगा 25/6 लीटर। इतना भरेगा और आप देखिए ये ऑलमोस्ट 4 point something है। ओरिजिनल वो 5 लीटर भर सकता है लेकिन खराब होने के बाद 4 point something लीटर भरेगा। वो समथिंग हम नहीं निकालते, छोड़ दीजिए। बी की कैपेसिटी थी 3 लीटर ओरिजिनली, लेकिन क्योंकि वो अब अपने का 5/8 भरता है तो 5/8 कर दीजिए, यानी कि ये 15/8 है, ठीक है? इतने लीटर अब ये भरता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आप देखो आगे क्या हुआ कि मलाइन मलाइन ने यहाँ पर दोनों टैप खोले गए, ठीक है? और लेट से खोलते ही उनमें कोई खराबी आ गई। ऐसा क्यों मान रहे हैं? बिकॉज खोलने के तुरंत बाद कितने टाइम के बाद वो खराब हुए हैं ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई थी। मान के चलेंगे खोलते ही खराब हो गए, और खोलते ही अगर खराब हो गए यहां से लेकर यहां तक दोनों ही क्योंकि टैप खुले हुए हैं, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसीज हैं क्या क्या रहेंगी? एक की रहेगी 25/6 लीटर और दूसरे की रहेगी 15/8 लीटर, ठीक है? और इन्होंने कितने टाइम के लिए और कितने लीटर टैंक की भरी है हमें नहीं पता। आ गया कि इस पॉइंट पर आकर दोनों टैप ठीक कर दिए गए, तो अभी भी काम तो ए और बी ही करेंगे, लेकिन यहां पर आके टैंकी भर भी गई लेकिन इनकी जो एफिशिएंसीज हैं ठीक हो गई। ये 5 से ही भरेगा और ये 3 से ही भरेगा, लेकिन एक बात ये भी कही साथ में ठीक करने के 5 मिनट के बाद जाके टैंकी भरती है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो विंडो है ये 5 मिनट का है, ठीक है? खत्म। देखिए ध्यान से, 1 मिनट में
ए और बी भरते हैं 8 लीटर, 5 + 3 8 लीटर, या यहाँ से देख लीजिए 5 + 3 8 लीटर, तो बताइए 5 मिनट में कितना भरेंगे? आपका होगा सर 40 लीटर, क्यों? क्योंकि 5 × 8 कर दिया हमने, तो 5 × 8 होता है आपका 40 लीटर। तो 40 लीटर तो इन्होंने टैंकी भर दी, जब ये एकदम सही से काम करते हैं, अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करते हैं। काम था हमारे पास 75 लीटर करने के लिए, 40 लीटर इन्होंने ओरिजिनल कैपेसिटी से करा है, तो जो बचा हुआ काम है यानी कि बची हुई जो टैंक है वो 35 लीटर की है, जो इन्होंने भरा है अपनी करप्ट यानी कि अपनी जो रिड्यूस्ड एफिशिएंसीज हैं उनके हिसाब से। अगर ये 35 लीटर इन्होंने रिड्यूस्ड के हिसाब से भरा है तो आप देख लीजिए टाइम कितना लगाएंगे, इस 35 को भरेंगे ये लोग इससे प्लस इससे, यानी कि 25/6 + 15/8 से। इसे सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 35/6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100 और ये वैल्यू आएगी आपकी 45, और आप सॉल्व करेंगे तो 35 ये 24 ऊपर पहुंच जाएगा इसके पास, तो 24 और नीचे वैल्यू आ जाएगी आपकी 145। इसे कैंसिल करिए 5 से, 29 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू है 24/7 = 168/29। इतने मिनट के बाद खराबी को ठीक किया गया। This is your answer. बोलिए, आया समझ में? सही, यहाँ पे पॉइंट्स में भी तो ले सकते थे ना, जैसे 25/6 है तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं ना। फिर डेसिमल में लेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी आपको। एलसीएम लेना ज्यादा आसान है, अगर कि आप डेसिमल की किसी कैलकुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं लेने को ले सकते हैं। अब वैल्यू जब आप 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बहुत खराब चली जाती है ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको एलसीएम लेना चाहिए, सॉरी डिवाइड करना चाहिए, मतलब डेसिमल में लेना चाहिए। जब आप 25 को 6 से डिवाइड करते हैं ना तो 1 की मतलब 1/6 जो हिस्सा होता है उसकी वैल्यू 0.1666 समथिंग जाती है। तो आप कितने टाइम के लिए डिवाइड करोगे बताओ? तो डिवाइड कभी मत करिएगा, हमेशा एलसीएम लीजिएगा, ठीक है? क्या किसी भी प्राणी का आंसर ही आया है 168/29 या किसी का भी नहीं आया? नहीं आया। पूजा जी, वो डेसिमल लेके किया था, डेसिमल लेके किया था तो हम फिर वैल्यू बहुत लंबी बनी होगी, तो 2 नंबर ले लिए थे पीछे के तभी। बट फिर वही है कि आपको ऑप्शन में ये चीज मिलेगी, आपको ऑप्शन में डेसिमल में नहीं मिलेगी, तो फिर डेसिमल में मत निकालिएगा, ठीक है? आपका डेसिमल में क्या आंसर आया था सर? नहीं, ये नहीं, तो ऊपर है ना हमारे जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की बात कर रही हूं। वो चलिए ठीक है, बट ओवरऑल आंसर तो निकाला होगा आपने। हां जी, वो सर 35/6 आया था ज्यादा आपको, 35/6 आया था। हां जी, सर मैंने 145/24 को निकालने के बाद छोड़ दिया, समझ नहीं आ गया क्या करूं। 145/24 तक किया था सर मैंने। 145/24 कहाँ पर है? मेरे को समझ नहीं, ये बताइए। हाँ जी सर। हाँ जी, पूछो। कौन पूछ रहा है? अगला करिए, एक और देता हूँ चले करने के लिए, और तो आप सही करिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है? आखिरी अटेम्प्ट है आपका। मान के चलिए ए भरता है 30 मिनट में और लेट से बी भरता है 36 मिनट में, ठीक है? कोई तो चीज शुरू होते हैं खराब हो जाते हैं, खराब होने के बाद ठीक भी करे जाते हैं, और जब ठीक करे जाते हैं तो मतलब जब खराब हो रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो 5/6 और लेट से 9/10 हो जाती है, ठीक है? ए की एफिशिएंसी 5/6 और बी की एफिशिएंसी 9/10 हो जाती है, ठीक है? और ठीक करे जाते हैं और ठीक होने के लेट से कितना दे दूंगा आपको,
एस और पीस है तो 15.5 ले लो। चलो ठीक होने के 15.5 मिनट के बाद टैंक की भरती है, ठीक है, टैंक फिल हो जाता है तो आपको बताना है कि खराबी कितने टाइम के बाद ठीक हुई, ठीक है। प्लीज ध्यान से कैलकुलेशन को करिएगा क्योंकि मैंने 15.5 मिनट दे दिए हैं। तो 15.5 मिनट के बाद टैंकी भरी। ओके। जो पिछले क्वेश्चन में 4-5 मिनट था अब 15.5 है, क्योंकि 15.5 से ना आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, इसलिए मैंने आपको 15.5 दिया। सर 21/19 आया मेरा। 21/19 यस सर टाइम आया। बाकी प्राणी बताएं आंसर। इसके बाद आपको एजेस पढ़ाऊंगा, ठीक है सर? नहीं गलत है ये मेरा। हेलो क्या कैलकुलेशन देखिए, टाइम है अभी आपके पास। सर 1 मिनट। 1 मिनट आए। 1 मिनट 21/19 से सीधा 1 मिनट। ड्रास्टिक चेंज किया आपने क्वेश्चन। जल्दी करिए, 1 घंटा बचा बस। क्वेश्चंस बहुत हैं। सर जी बस 11 बजे तक है ना क्लास, कल स्कूल जाना है। 11 बजे तक है? हाँ सर, सैटरडे को ले लिया करो आप लेट से। हाँ जी कल होनी भाई क्लास। देखिए ध्यान से, 30 और 30 का एलसीएम कितना होता है बताइए। 180 इनका एलसीएम होता है। 30 से करेंगे तो यहाँ पर 6 लीटर आएगा, 36 से करेंगे तो 5 लीटर आएगा। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है, इनके एलसीएम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 36 और 30 का एलसीएम 180 होता है। हालांकि जब मैं आपको एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि एलसीएम क्या, कैसे एलसीएम लिए जा सकते हैं और जल्दी, ठीक है। एलसीएम भी पढ़ाऊंगा और एलसीएम भी पढ़ाऊंगा। अब लगभग एरिथमेटिक आपको पूरी पढ़ानी है तो पूरी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 6 लीटर, हाँ लेकिन एडवांस आप लोग पढ़ते रहिएगा अपना,
पहले क्लियर करो एडवांस, ये मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार आपके नहीं, हमने के मैटिक पूरी मैं उठाया तो पूरा खत्म करूंगा। और 5 180 लीटर है यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से आपको बोलता है कि इनकी जो एफिशिएंसीज है वो रिड्यूस हुई है, रिड्यूस अगर हुई है आप ए को कर लीजिए थोड़ा सा और कम, या अगर हम एक काम ये कर लें ए की 6 लीटर थी तो अब 6 का हो गया 5/6, यानी कि अब उसकी 5 लीटर एफिशिएंसी रह गई है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो बी आ गया हमारे पास, बी की एफिशिएंसी है 5 लीटर करने की, लेकिन क्योंकि 5 का 9/10 रह जाती है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 9/2 हो जाएगी, या कह लीजिए 4.5 लीटर हो जाएगी। ठीक है, ये जो ब्लैक वाली है ये इनकी रिड्यूस्ड एफिशिएंसीज हैं, लेकिन ये जो 6 और 5 है ये इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसीज हैं। ठीक है, वही चीज नंबर लाइन बनेंगे, यहाँ पर दोनों टैप शुरू होते हैं, मान के चलिए यहाँ तक रहते हैं, लेकिन शुरू होने के बाद ही क्योंकि खराब हो गए तो ए और बी ने अपनी एफिशिएंसीज रिड्यूस कर ली, और रिड्यूस करने के बाद ए काम कर रहा है 5 लीटर के साथ और बी काम कर रहा है 4.5 लीटर के साथ। ठीक है, ये मैंने इसलिए डेसिमल में निकाल दिया है क्योंकि ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एक तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है ना, लेकिन अब जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था तो उसमें तो वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग केस बन जाता है, तो फिर इसलिए वहां भी मत करिएगा कभी। तो यहाँ पर ठीक कर दिया गया, सो 1 मिनट आंसर है, दिखाना पड़ेगा नेहा जी का भी आ गया। चलो 7/80 सर, 1 सही 4/19 1 सही 4/19 ठीक है, 1 सही 4/19 वैसे 2 आंसर अगर एक आए हैं शायद आंसर एक ही होगा, बट स्टिल देखते हैं, तो यहां तक हो गया। ठीक है, अब ए और बी फिर से आए काम करने के लिए, और यहाँ पर टैंक भर गया, और क्योंकि खराबी ठीक कर दी गई है इसलिए ए और बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसीज के साथ काम कर रहे होंगे, और ये बात बोली गई कि कितने मिनट के बाद, 15.5 मिनट के बाद। ठीक है, 15.5 मिनट के बाद टैंकी भर जाती है, तो ये 15.5 मिनट 11 एफिशिएंसी के साथ काम जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर 1 मिनट में ये लोग 11 लीटर भरते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 15.5 मिनट में अगर आप भराना चाहते हैं तो कितना भरेंगे, देखिए 3 होल 1/2 इंटू कर देंगे आप 11 से, तो इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 170.55 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 होता है और 5.5 और होगा, यानी कि 170.5.5। ठीक है, कितना लीटर जो है ये टैंकी भरी गई, ठीक है, ओरिजिनली भरी गई, ओरिजिनल एफिशिएंसीज के साथ भरी गई है ना, 170.5 लीटर। ठीक है भाई, अब आप देखिए टोटल कैपेसिटी थी 180 लीटर की, उसमें से 170.50 लीटर आपने ओरिजिनल से भरवाई, बची कितनी, आप कहोगे सर 9.5 लीटर बची। ठीक है भाई, 170.5 भर गई तो 9.5 ही तो बची, और इस 9.5 को इस एफिशिएंसी के साथ करा जाएगा, और कमाल की बात देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी एफिशिएंसी भी 9.5 है, इसीलिए 9.5 को 9.5 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद टैंकी को ठीक कर लिया गया, मतलब टैप्स को ठीक कर लिया गया, सही आंसर 1 मिनट। ठीक है, अब तो सीख गए इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे। जी कहां गलती करी सर जी, मैंने ना ये 5.5 किया, 5.30 कर दिया, तब 11 से मल्टीप्लाई किया, सर जी मैं बोल रही हूँ ये 5.5 15 मिनट में ना, तो आपने किया 15.5, मैंने किया था 15.30, 30 मिनट ले लिया सर मैंने, तब 11 से मल्टीप्लाई किया।
हम अगर ऐसी गलती करते हैं ना तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लो, 15.5 को जब आप सॉल्व करेंगे 31/2 हो जाएगा। देखो 15 × 2 = 30 और 31 है ना, 31/2 हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15.5 ही तो आएगा है ना। वो पता है वो तब करा जाता है जब आपको जो वैल्यू है वो मतलब थोड़ा सा टाइम के सेंस में दी जाती है, जैसे लाइक आधा सेकंड है तो आप उसको 30 seconds बोल सकते हैं, आधा मिनट है तो आप उसको, आधा मिनट है तो 30 seconds है ना, आधा घंटा है तो उसको 30 minutes, वो वहां पे चल जाती है चीज, यहाँ नहीं चलती क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है और 1/2 की फ्रैक्शन आप जानते हैं, 1/2 फ्रैक्शन एक्चुअली में 0.5 होता है, यहाँ से भी आप सोच सकते थे। आगे बढ़ते हैं, इतना तो कर लिया आपने है ना, चलो एक और करते हैं। दो टैप है ए और बी, ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है ठीक है, तो जिस तरह से बिना क्वेश्चन लिखे भी अब आप लोग सीख रहे हैं लैंग्वेज क्या कही जा रही है, ऐसे ही आपको इसमें भी सीखना है, तीसरा टाइप है ये। मान लीजिए ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और बी किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है, ऐसी बात बोलेगी ये, चलो मिनट की जगह घंटे ले लेते हैं, घंटे वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, 20 घंटे और 30 घंटे में भरता है। आपसे कहा गया कि दोनों एक साथ खोले गए और कहता है कि जब टैंकी का 1/3 हिस्सा भर जाता है, ध्यान से देखिए यहां पर दोनों एक साथ खोले गए इस पॉइंट पे, ए प्लस बी खुले आपस में चल रहे हैं बढ़िया आराम से, कोई पता नहीं हमें कितनी देर तक खुले रहे, लेकिन कहा गया कि तब तक एक दूसरे के साथ ये खुले रहे जब तक टैंक का 1/3 हिस्सा भर नहीं गया, यानी कि 1/3 हिस्सा भरना गया हो ठीक है, जब भर गया ना 1/3 हिस्सा, कहता है कि टैंक में छेद हो गया, टैंकी थी जिसको भरा जा रहा था ठीक है, जिसको भरा जा रहा था, मान के चलिए एक ये टैप था उससे और एक ऊपर एक और टैप था उससे, लेकिन 1/3 लगभग टैंकी भर गई, इतनी टैंकी भर गई ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि टैंकी में यहाँ पर छेद हो गया और अब क्या हो रहा है उससे पानी नीचे बह रहा है ना, ये चीज बोलेंगे तो ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया कि टैंकी में छेद हो जाता है, जिससे बोला गया कि जो दोनों भरने वाले नल है ना ठीक है, उसमें से एक एक तिहाई जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी मैं समझाता हूँ, जब दोनों नल एक दूसरे के साथ खोले जाते हैं तो जब टैंकी का 1/3 हिस्सा भर जाता है, यानी कि जब टैंकी 1/3 भर जाती है, टैंकी की जो सरफेस है बेस सरफेस है उस पर छेद हो जाता है, लीकेज हो जाती है उस पर, जिसमें से दोनों नलों के द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि जो पानी बाहर निकल जाता है ना वो 1/3 बाहर निकल जाता है, यानी का मतलब अगर दोनों मिलकर 3 लीटर पानी भरते हैं तो उसका 1/3 यानी कि 1 लीटर पानी उस 1 मिनट में बाहर निकल जाता है, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर 1 मिनट में भर 3 लीटर रहे हैं तो 1 लीटर बाहर भी निकल रहा है, एक्चुअली में टैंकी में जा कितना रहा है, 2 लीटर। ये बात आपको समझ में, तो ये कितने मिनट में निकल रहा है, 1 मिनट में, मतलब मैंने आपको बात बताई, अच्छा ठीक, मैं आपको एक चीज समझा रहा ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि इस पॉइंट पर आकर छेद हो जाता है ठीक है, यहाँ पर लीकेज आ जाती है ठीक है, लेट से एल यहाँ पर मैंने बोल दिया कि लीकेज को एल रिप्रेजेंट कर रहा है, और लीकेज होने के बाद कहा गया कि अभी भी ए और बी ही काम कर रहे हैं, नो डाउट ठीक है, ए और बी ही काम कर रहे हैं और इस पॉइंट पर आकर टैंकी भर भी रही है, लेकिन ये बोला गया यहाँ पर 1/3 हिस्सा जो है वो वेस्ट हो जाता है, यानी कि 1/3 जो एफिशिएंसी है वो वेस्ट हो जाती है ठीक है, तो अभी तक आपको ये बात कह दी जाती थी कि यार जो टैंक जो टैप ए है नल ए है उसकी एफिशिएंसी 5/10 हो जाती है, मतलब 5/8 हो जाती है या 5/6 हो जाती है, अभी तक वो आपको दिया जा रहा था,
लेकिन अब उसने आपको वो बात ना कह के उसने ये कह दिया कि ओवरऑल जो उनकी एफिशिएंसी बनती है उसका 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है। उसने आपको ओवरऑल बात कह दी, पर 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है तो बचता कितना है? 2/3 हिस्सा। और वही 2/3 हिस्सा टैंकी को फिल करने के काम आता है। और इवन दो टैंकी में छेद है, लेकिन क्योंकि दोनों टैंकी की जो भरने की, मतलब दोनों नलों की भरने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, और जो लीकेज है वो इतना माइन्यूट सा है कि वो इतना इंपैक्ट नहीं डाल रहा, इसलिए टैंकी भर भी रही है आखिरी में। वही आपसे कह रहा है कि बताइए टैंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर नहीं क्लियर हुई है तो सोल्यूशन चलेगा, तो उसके साथ से समझिएगा, हो जाएगी क्लियर। दोनों को सॉल्व करते हैं। एलसीएम जो आप लेंगे तो आएगा 60 लीटर, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी है, यानी कि पूरी क्षमता है इस टैंकी की। यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 लीटर, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 लीटर, ठीक है। ये 3 लीटर भरता है और भी 2 लीटर भरता है। अब ध्यान से देखिए, कहता है यहां पर जब ये टैप शुरू हुए भरने, तो ये 3 लीटर से भरा और इसने 2 लीटर से भरा। कोई खराबी की तो कहीं बात करी नहीं गई है कि नल खराब हुए हैं, नल थोड़ी खराब हुए हैं, टैंकी में छेद हुआ है, वो बात की चीज। लेकिन कहता है कि अगर 3 और 2 से ये काम कर भी रहे हैं ना, तो 1/3 टैंकी भर देते हैं। यानी कि अगर टोटल टैंकी 60 लीटर की है, तो 1/3 मतलब 1/3 हिस्से का मतलब होता है 20 लीटर। यानी कि 20 लीटर तो टैंकी इन दोनों ने मिलके भर दी। बात समझ में आई? बच कितनी गई? 40 लीटर। 40 लीटर बच गई जो टैंकी को हमें भरना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गई भाई, जो ए और बी जिनकी कंबाइन एफिशिएंसी होनी चाहिए थी 5, होनी कितनी चाहिए थी? 5 लीटर। लेकिन अब वो 5 में से 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है। तो अगर 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है तो फ्रूटफुल हिस्सा कितना बचा? आप कहेंगे सर 2/3 बचा, क्योंकि 1/3 अगर वेस्ट हो गया तो 2/3 ही तो बचा। भाई 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो 2/3 बचा। अब उनकी एफिशिएंसी पता कितनी है? अब उनकी एफिशिएंसी हो गई है 10/3 लीटर भरने की, यानी कि लगभग 3.33 अब बचती है, क्योंकि 1/3 निकल गया तो 10/3 बच गए। ये बात आपको समझ में आई? बोलिए। अब आप आगे देखिए, कहता है टैंकी को भरने में कितना टाइम लगा। तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन बचा, अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखिए, ये 20 लीटर भरा जाएगा 3 और 2 5 से, यानी कि 20 को भरा जाएगा 5 एफिशिएंसी से, तो कितने घंटे में? आप कहेंगे सर 4 घंटे में, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या हुआ? आगे ये चीज हुई, ये जो 40 लीटर आप देख रहे हो, इस 40 लीटर को किससे भरा जा रहा है? इस 40 लीटर को भरा जा रहा है 10/3 से, है ना। तो अगर 10/3 से भरा जा रहा है तो क्या आएगी वैल्यू? तो आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12 घंटे। बोलिए। यस सर, 12 आएगी। अगर ये भाई 10 से कैंसिल किया 4 और ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 12 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा? सोलह घंटे। समझ में क्वेश्चन? डोंट वरी, एक और कराऊंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, बट ये समझ में आया? या फिर से चाहते हैं फिर से बताऊंगा? अगला करेंगे। करेंगे सर अगला। अगला करेंगे, करेंगे। मान लीजिए कि ए भरता है 15 मिनट में और बी भरता है मान के चलिए 20 मिनट, ठीक है। कि दोनों एक दूसरे के साथ चले, प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया आराम से चल रहे हैं। और चलते चलते उन्होंने इनफैक्ट 1/4 टैंक भर दीजिए, मतलब भर दिया, ठीक है, 1/4 भर दिया। और ये ए और बी भर रहे हैं, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से ही भरेंगे। वो आपको निकालनी होगी कि वो क्या होगी। और जो बचा हुआ है हिस्सा, ठीक है, उसको आपको बताना है कि वो कितनी देर में भरेगा, ये आप बताइए। लेकिन कहा गया कि
वन फिफ्थ भाई टैंकी में यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आके टैंकी में छेद हो गया, मतलब लीकेज हो गई, वन फिफ्थ जो हिस्सा है एफिशिएंसी का है ना वो वेस्ट हो जाता है। बताइए पूरी टैंकी कितनी देर में भरेगी? पूरा टाइम बुझाएगा। पाइप्स एंड सिस्टम्स की क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा। अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 63 क्वेश्चंस हैं। इन्हें आपको करना है। अगली क्लास होगी आपकी वेडनेसडे को। आपके पास मंडे ट्यूसडे दो दिन हैं। इनफैक्ट वेडनेसडे का भी रात को 9 बजे तक का टाइम होगा आपके पास। 3 दिन में टाइम एंड वर्क, ठीक है? पाइप्स एंड सिस्टम्स के डाउट भी कर लीजिएगा। और हमने सर्ट्स कर लिया, सर्ट्स के डाउट्स तो नहीं है किसी के? सर है, सर्ट्स के डाउट है, ठीक है? तो फिर सर्ट्स के डाउट्स आपके ना, तो पहले तो ऑफकोर्स मैं आपके पाइप्स एंड सिस्टम्स के ही डाउट्स लूंगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क के जो बच्चे कुछ डाउट होंगे वो पूछ लीजिएगा, फिर सर्ट्स के बता दूंगा, ठीक है? और जो मुझे पाइप्स एंड सिस्टम कराना होगा लगभग 1 घंटा में भी आपको कराऊंगा। सब कुछ तो आज हो नहीं सकता ना, टॉपिक चलेगा थोड़ा भी 1 दिन और लगभग। हाँ जी आंसर बताइए। किसी का नहीं आया? ये देखिए 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 60 होता है, 60 जो लीटर है वो आपका वर्क होगा। 3.7 है कितना? 3.7 आ रहा है। फिर आपने डेसिमल में निकाल दिया, प्लीज फ्रैक्शन में निकालिए या फिर मिक्स्ड फॉर्म में निकालिए, वरना वहां पे दिक्कत आ जाएगी। यस सर, वहां पे डेसिमल में ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप अपनी किताब खोल के देखिएगा,
pipes and cisterns. वहाँ पर आपको decimal नहीं, वहाँ पे आपको mixed form या फिर fraction दी होगी. समझिए जो चीज समझाई जा रही है एक बार में. 60 लीटर है यहाँ पे, यहाँ पर आएगा 4 लीटर और यहाँ पर आएगा 3 लीटर. ठीक है, ये इनकी original efficiencies हैं. आपसे कहा गया कि 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा मतलब अगर टोटल 60 लीटर की टैंकी है तो उसका 1/4 हिस्सा कितना होता है? 15 लीटर. यानी कि ये 15 लीटर ए और बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ करके भरते हैं. यानी कि ए 4 के हिसाब से और बी 3 के हिसाब से भरना है. तो आप खुद सोचिए, अगर ये 15 लीटर भरना है हमें यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? भाई दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 है दोनों की एफिशिएंसी. डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही होगी, सॉरी, 2 होल / 7 इतने घंटे, नहीं मिनट, बोलो यहाँ तक ठीक है? 2 होल / 1/7 मिनट. यस सर. ये देखिए, अगर आपसे ये कहता है कि अब भाई हो गई खराबी, खराबी हो गई तो भाई इनकी ओरिजिनल जो एफिशिएंसी थी वो तो थी 7, लेकिन अब 7 का 1/5 हिस्सा वेस्ट हो जाता है. अगर 7 का 1/5 हिस्सा वेस्ट हो जाता है तो फिर जो यूज्ड हिस्सा है, जो आपका प्रोडक्टिव हिस्सा है, वो कितना हुआ? 1/5 निकल गया, तो 4/5 ही तो बचा. यानी कि अब जो उनकी एफिशिएंसी है वो 7 नहीं, वो 7 की भी 4/5 हो जाती है, यानी कि 28/5 हो जाती है. इतने लीटर वो भरते हैं एक मिनट के अंदर. ठीक है, फिर समझो, पहले भरते थे दोनों मिलकर एक मिनट में 7 लीटर, लेकिन उन 7 लीटर में 1/5 वेस्ट हो गया. या तो आप 7 का 1/5 जो वेस्ट है वो निकाल लीजिए 7/5 को, और फिर 7/5 को आप 7 में माइनस करिए. ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू फिर से वही बन के आएगी, और तब भी ये 28/5 निकल गया है. इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम क्या करें, सीधा 7 का क्या निकाल लें, 4/5, क्योंकि 1/5 अगर वेस्ट हुआ तो 5 में से 1 को माइनस करिए, यानी कि 4/5 आपका यूजफुल वाली वैल्यू. ठीक है ना, देखिए क्या हुआ आगे. क्योंकि 15 लीटर जो टैंकी आप देख रहे हो वो पहले ही भरी जा चुकी थी, और जो टोटल टैंक है वो उसकी कैपेसिटी 60 लीटर की है, तो 60 में से 15 अगर निकल गए तो ये कैपेसिटी बची 45 लीटर की, और इस 45 लीटर को भरा जाएगा इस एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 28/5 के साथ. तो आप देखिए कितना टाइम लगेगा, 45 लीटर को अगर आप भरेंगे 28/5 लीटर के साथ, तो इसकी वैल्यू बन रही है 45 × 5/28. और मजे की बात यह है कि किसी से भी नहीं घटेगा, और अब नहीं घटेगा तो फिर मल्टीप्लाई कराइए. देखिए 225/28 मिनट. यानी कि ये वैल्यू पता है क्या है, ये इतना टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है ये. ठीक है, और कहता है कि टोटल टाइम बताइए, तो एक टाइम तो ये भी था 15/7, या कह लो ये है ना, बेहतर है आप इसको छोड़ दो, आप इसको ले लो 15/7 को ले लो, क्योंकि अपॉन में 28 है ना, इसलिए 15/7 टाइम यहाँ का है 15 लीटर का. ठीक है, ये 15 लीटर का टाइम है, और 45 लीटर का जो टाइम है वो आपने ये निकाला, यानी कि 225/28 निकाला. दोनों को जोड़ दीजिए तो 28 एलसीएम होगा, यहाँ पे 60 + 225. ठीक है, सॉल्व करने पे वैल्यू बनेगी 285/28. 28 से इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 280 पूरा पूरा जाएगा 10 बार में, और 5 आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा 10, सही 5/8 मिनट ही आपका आंसर है. और कराऊं या फिर रहने दो भाई, क्योंकि अगर कराऊंगा तो फिर 3 क्वेश्चंस कराऊंगा फिर मिनिमम, जो कि हो जाएगा टाइम ज्यादा. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया.
भी 12-13 मिनट तो हैं, तो कराता हूँ आपको। देखिए आपसे कह रहा है कि दो नल हैं और भी जो है वो टैंक को 10 घंटे में और जो बी है ना वो 20 घंटे में उसको भरता है, ऐसा कहा गया। लेकिन कहता है कि इस बार एक टैप ऐसा भी है जो सी है, और सी की खास बात है कि वो निकासी है। निकासी का मतलब है ड्रेन्ड, जो ड्रेन करता है यानी कि पानी को बाहर फेंकता है ना, ये टैंकी को ड्रेन करने का काम करता है। ठीक है, निकासी नल है, भरने वाले हैं और एक निकासी है। ठीक है, कि अगर तीनों को साथ में खोल दिया जाए, तीनों नल अगर साथ में खोल दिए जाए तो ध्यान देंगे कि पहले जो दो नल है वो तो टैंकी को भरने का काम करेंगे, लेकिन तीसरा जो नल है ना वो टैंकी को खाली करने का काम करेगा। और देखिए कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए चलिए ये टैंकी है, इसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक नल है, ठीक है, जो पानी को अंदर फेंक रहा है ना, लेट से दूसरा यहाँ पे ये नल है, ये भी पानी को अंदर फेंक रहा है, लेकिन एक नल यहाँ पर लगा जो टैंकी से पानी को बाहर फेंक रहा है, और ये तीनों नल एक दूसरे के साथ खोले जाते हैं, जिसमें से ये ए है ऊपर वाला, ठीक है, ये बी है और ये वाला सी है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो जब तीनों एक दूसरे के साथ खोले जाते हैं ना, यानी कि प्लस ए, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि भर रहा है, प्लस बी, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि भर रहा है, लेकिन माइनस सी क्योंकि निकाल रहा है। और ये जब तीनों एक दूसरे के साथ खोले जाते हैं तो कहता है 30 घंटे में टैंकी भर जाती है, इस घंटे में टैंकी पूरी भर जाती है, है ना? The tank gets filled within 30 hours, ठीक है, भर जाती है पूरी। तो आपसे कह रहा है कि अगर C अगर अकेला खोला जाए, है ना? If C is opened alone, खोला जाए, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? ठीक है, टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? ठीक है, बाय व्हाट टाइम द टैंक विल गेट एम्प्टी, में खाली हो जाएगा। कोचो समझ में आया? ए 10 घंटे में भर सकता है टैंक को, बी उस टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक और टैप है, एक और नल है सी, जिसका काम है ड्रेन करना यानी कि पानी को टैंकी से बाहर फेंकना। कहता है कि अगर वो तीनों नल आपस में खोल दिए जाएं एक दूसरे के साथ, तब भी टैंकी 30 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जो भरने वाले हैं उनकी कैपेसिटी भरने की ज्यादा है और सी की निकालने की कम है, इसीलिए टैंकी भर रही है, अभी भी भर रही है। मतलब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भरेगी, एक सेकेंड के लिए भरेगी, और जैसे आप ए और बी को बंद करोगे तो सी फिर अपना काम तो कर ही देगा, फिर तो वो खाली हो जाएगी। लेकिन क्षमता क्या है उसकी, भाई कंप्लीट भर रही है टैंकी 30 घंटे में, ऐसा कहा गया। बट कहता है कि अगर ए और बी को बंद कर दें और बी भरे ही ना, पूरी टैंकी अभी भी भरी हुई है, और सिर्फ सी को खोल दें, है ना, सिर्फ सी को खोल दें पूरी टैंकी भर के, तो बताइए पूरी टैंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? दिस इज योर क्वेश्चन। अगर समझ में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए हमारा काम है पहले तो हम ये निकाल लें कि आखिरकार टैंक जो है वो कितना है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, हम पहले वो निकाल लें। तो देखिए ध्यान से, और जब हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे कितने लीटर की है ना, तो वो लीटर निकाल लीजिए और सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, बस उसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको सी का आंसर मिल जाएगा कितने घंटे में कर दिए। करते हैं काम उसके लिए। देखिए ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, लेकिन जब तीनों खुल जाते हैं यानी कि प्लस ए, प्लस बी और माइनस सी, तो ऐसी कंडीशन में कहता है 30 घंटे लग जाते हैं। तीनों का एलसीएम लीजिए इस बार, एलसीएम आएगा 60 लीटर। क्षमता आगे देखिए, पूरी कैपेसिटी आ गई टैंकी की कि वो 60 लीटर की है। तो एक काम तो हमारा हो गया, जो ऊपर का हम निकालते हैं वर्क वो मिल गया, लेकिन अब हमारा दूसरा काम है सी की एफिशिएंसी निकालना। तो देखिए ध्यान से, 10 से 60 को कैंसिल करेंगे तो यहां पर आएगा 6, वो भी प्लस का, है ना? 20 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर आएगा 3, वो भी प्लस का, लेकिन जब आप ए प्लस बी माइनस सी से करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी 2,
ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दो आएगी। ये दो प्लस की है, ये दो माइनस की है ना। अब आपको ध्यान से समझना है कि ये क्या चीजें होंगी। ऑब्वियसली बात है प्लस की होगी, इसलिए प्लस होगा क्योंकि ए और बी जो हैं वो ज्यादा भरते हैं एज कंपेयर टू सी के निकालने से, इसीलिए ये वैल्यू प्लस में आ रही है दो। ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस होगी इस चीज की, लेकिन हमें निकालनी है सी की एफिशिएंसी। तो आप देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि ए प्लस बी और माइनस सी की एफिशिएंसी निकली है दो, ये देखो, जिसमें से अकेले ए की एफिशिएंसी आप जानते हैं छह थी, अकेले बी की एफिशिएंसी आप जानते हैं देखिए तीन थी, लेकिन आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है और इक्वल्स टू में दो है। आप देखेंगे यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बताइए करके सॉल्व इसे। सो माइनस सेवन, माइनस सेवन आ जाएगी। सेवन आएगी और माइनस इसमें क्योंकि वो एम्प्टी कर रहे हैं ना। ये तीन नौ और यहाँ पे दो, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी सात। ठीक है, अब ये जो सात है ये सी की एफिशिएंसी क्या होगी बताइए, प्लस की माइनस? माइनस। माइनस क्यों माइनस होगी, देखिए क्योंकि नौ यूनिट तो ये दोनों मिलके भरते हैं, नौ यूनिट दोनों मिलके भरते हैं, छह और तीन नौ, नौ यूनिट भरते हैं और ये सात यूनिट निकालता है, माइनस होगा ना, तभी तो इन दोनों का ओवरऑल इम्पैक्ट ये दो यूनिट होगा, इसलिए सात को माइनस होना जरूरी है। हालांकि वो इतना मैटर नहीं करता कि प्लस है कि माइनस है, क्योंकि स्टार्टिंग में कह दिया गया था कि जो सी है ना वो निकालने वाला नल है, तो ये सी बात है सी निकालेगा, तो उससे क्या ही मतलब है, मैं छोड़ो, हमें सी की वैल्यू से मतलब था जो कि सात आ गई, प्लस माइनस से मतलब नहीं होता हमें। ठीक है, एफिशिएंसी में प्लस माइनस बस ये बताता है कि इनपुट कर रहा है वो वर्क को या फिर वो वर्क को निकाल रहा है ना, बस इस चीज के काम आता है प्लस माइनस। तो देखिए 60 लीटर की टैंकी थी और उसकी एफिशिएंसी 7 है, डिवाइड कर दीजिए 8 होल 4/7 आपका आंसर। इतने घंटे में सी पूरी टैंकी को, अगर टैंकी पूरी 60 लीटर की भरी है तो खाली करने में 8 घंटे 4/7 मिनट का टाइम लेगा, ले लीजिए 8 4/7 घंटे है। लेंगे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा चेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया सर। मंजू तबीयत खराब है क्या आज, आप थोड़ा बहुत नहीं सर लग रहे हो? नहीं सर, दोस्तों चेकते रहे तो आज एकदम आवाज ऐसे लग रही है कि सर नींद आ रखी है। नहीं कल तो मेरी भी 8 बजे क्लासेस में, मुझे भी जल्दी उठना है, आज कल मेरी क्लासेस सुबह लगा दी हैं। चलो कोई नहीं, देखो इसको थोड़ा सही करते हैं हम लोग, बी को यहाँ पर कर दो बस आप, ले लें 10 है ना, 12 घंटे, ये पूरा क्वेश्चन सेम है, करिए सेम क्वेश्चन पूरा, बस 12 घंटे करा हूँ। तो 6 होल 2/3 देखते हैं, 6 होल 2/3 मिनट प्रति घंटे। दस घंटे में भरता है, बी जो है वो 12 घंटे में भरता है, और अगर ए बी और सी नो आ जाएं तो 30 घंटे में भरते हैं। माइनस इसलिए लिया क्योंकि उसका नेचर है निकालने का,
अभी भी एलसीएम तो आपको पता है आएगा, अभी भी 60 ही आएगा है ना, 60 लीटर की टैंकी है। ओके तो आपने इसको देखा तो 10 से करेंगे तो 6 लीटर और ये प्लस का 6 होगा है ना, 12 से करेंगे तो ये 5 लीटर और यहाँ करेंगे तो अभी भी 2 लीटर आएगा, लेकिन ये 2 लीटर क्या होगा प्लस का, क्यों प्लस का, क्योंकि ये दोनों ज्यादा है, टैंकी भरने की बात बोली गई है कि टैंकी अभी भी भर रही है, इसलिए वो प्लस का ही रहेगा। अब हमें सी से निकालना तो सी की एफिशिएंसी निकालिए मेरे भाई, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2 मिल के आती है, जिसमें से आपको ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी 11 पता है भाई, ये 6 है ये 5 है, सी आपको निकालना है तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकली, 9 निकली, लेकिन ये 9 क्या है माइनस है एक्चुअली में, क्योंकि सी क्वेश्चन में कह दिया क्या निकालने वाला है, तो बस 60 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 6 होल 2/3 घंटे, दिस इज योर आंसर। ठीक है, वैसे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो ऑप्शन है ना आपके वो है 6 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 50 मिनट या फिर 7 घंटे, ये ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर लगाएंगे। 6 घंटे 40 मिनट सर, क्योंकि भाई 6 घंटे तो पूरे हैं और 2/3 घंटे में मिनट कितने होंगे, 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए है ना, तो 40 मिनट होंगे, तो इसलिए आंसर होगा आपका 6 घंटे 40 मिनट। कर लेंगे yes, तो आज मैंने आपको करीब 4 डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है, लगभग लगभग 1.5 घंटों में 11 बज भी गए आपके, तो अब आप लोग इतने तो कैपेबल हो गए हो और टाइम एंड वर्क क्योंकि पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो दोनों ही कंसेप्ट हालांकि एक ही है बट फिर भी दोनों ही अप्रोच को यूज करते हुए तो मैं आपको भेजूंगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, 63 क्वेश्चंस हैं उनको करिएगा, और मुझे ऐसा लगता है कम से कम 40 के ऊपर के क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लेंगे, ये आज भी सीखा है और टाइम एंड वर्क तो पिछले 3-4 दिनों से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो करिएगा और प्लीज ईमानदारी से करिए चीजों को, क्योंकि देख लीजिए पता नहीं लग रहा अभी 40 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं आपकी क्लास शुरू हुए, मात्र 35 दिन बचते हैं, 25 डेज में आपकी अरिथमेटिक कंप्लीट करनी है, 5 जनवरी कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, तो आपके पास टाइम है भरपूर, 35 दिनों में आप अगर चाहें तो अपने प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे कैसे टाइम निकालेंगे वो सब आपकी हेडक है, ठीक है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्वेश्चंस मेरे से जो पूछेंगे उसके लिए कोई मना नहीं है, इनफैक्ट जब आपकी क्लास बैच खत्म भी हो जाएगा ऑफिशियली 5 जनवरी के बाद, अगर आपको कभी लगेगा कि आपके कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा, ग्रुप आपका डिलीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, उसमें पूछते रहिएगा, अगर कोई आपको सॉल्व करके दे देता सोल्यूशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे बॉसरी भेज देना मैं आपको भेज दूंगा सॉल्व करके, ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखिएगा, एरिथमेटिक बहुत बड़ी है, एडवांस भी है लेकिन एरिथमेटिक ज्यादा आती है आपके पेपर में, अगला टॉपिक करेंगे एजस जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया, बाय बाय, यस सर, थैंक यू, यस सर, थैंक यू सर, बाय बाय, बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट।